जाना, मन मुख जाना, कोई कहानी बस बन गया जमाना। आज की हमारे स्पेशल वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम है सेल्फी बूथ। आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे सेल्फी बूथ और सेल्फी बूथ को कैसे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग सेल्फी बूथ की किस तरह से पैकिंग करके भेजते हैं, किस तरह से सेल्फी बूथ को ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से उसका पूरा सेटअप होता है। आज की हमारी पूरी वीडियो में सेल्फी बूथ आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं सेल्फी बूथ को किस तरह से हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग सेल्फी बूथ भेजते हैं। तो इसी टाइप का पैकिंग होता है क्या? हाँ जी, इस टाइप का हमारा ये पूरा बॉक्स पैकिंग रहता है। अगर आपको फ्लाइट केस के साथ चाहिए तो फ्लाइट केस आपको अलग से मिलेगा जी। फ्लाइट केस हमने इधर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं फ्लाइट केस की क्वालिटी अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे हम लोग। सबसे पहले आपको सेल्फी बूथ को खोल के अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट दिखाएंगे, फिटिंग करके पूरा चालू करके दिखाएंगे पूरा तरीके से। ये देखिए इस टाइप का पूरा पैकिंग मिलेगा आपको। ये देखिए किस तरह से सेल्फी बूथ हम लोग पैक करके भेजते हैं। ये देखिए इसके ऊपर भी लग रहा है पन्नी चढ़ा हुआ है। हाँ जी, इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर है पन्नी की, ठीक है। साथ में रिंग लाइट भी है, इसका पूरा स्टैंड आएगा और आपके साथ में इसका कंट्रोलर आएगा जी। कंट्रोलर भी अभी आपको दिखाएंगे, पूरी वायर इसके साथ में आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है ये पूरा। अभी आपको वीडियो में आगे सब कुछ देखने को मिलेगा जी मैम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिंग लाइट। आपको ये रिंग लाइट मिलेगी साथ में। ये देखिए रिंग लाइट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसके साथ में तीन मोबाइल होल्डर आपको मिलते हैं। इस टाइप का आपको तीन मोबाइल होल्डर मिलेगा। तीन मोबाइल होल्डर आपको रिंग लाइट के साथ में मिलेंगे। और ये देख रहे हैं यहाँ पे रिमोट के साथ मिलेगा, जैसे इसमें दो तीन कलर दिया हुआ है। इसमें तीन कलर से आप कलर चेंज कर सकते हो, व्हाइट, वार्म व्हाइट और एक हल्का सा नियॉन व्हाइट जी मैम। ये पूरा सेल्फी बूथ का ये डंडा है जो साइड में हम रॉड लगाते हैं, पूरी रॉड है, फोल्डेबल रॉड है ये जी। आप ये देख सकते हैं पूरी रॉड ये है। अभी हमने इसका साइज छोटा किया हुआ है, साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। आगे वीडियो में हम आपको वो भी करके दिखाएंगे। ओके, मतलब पूरा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी, अभी सारा कुछ दिखाएंगे, इसका क्वालिटी कैसा है, चीज कैसा है, सब कुछ दिखाने वाले और प्राइस भी बताने वाले। ये साइड वाली रॉड है जिसके अंदर सेल्फी बूथ का जो स्टिक है, ये पूरा का पूरा हम इसको लगा के दिखाएंगे। जैसे ये है, ये चीज आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमने सेल्फी स्टिक का जो ये रॉड लगाया है, ये इसी वाले रॉड में लगती है। इसके बाद ये साथ में आता है कंट्रोलर। ये देखिए साथ में वायर आएगी, 6 मीटर की पूरी ये वायर रहती है। वायर की आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी है जी मैम। ये देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इस टाइप का कंट्रोलर होगा जो कि अभी आपको पूरा तरीके से दिखाएंगे। ये कंट्रोलर है पूरा सेल्फी बूथ का। ये आप देख सकते हो पूरा कंट्रोलर है इसमें हमारा। ये स्पीड का कंट्रोलर लगा हुआ है, ये रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए स्विच लगा हुआ है जी जी। ये लाइट ऑन करने के लिए और ये ऑन ऑफ का स्विच है। ओके, अब बाकी अब आपको आगे असेंबल करके दिखाते हैं जी मैम। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सेल्फी बूथ के साथ जो जो आइटम्स आते हैं, हमने सारे आइटम्स को एक साथ रखा है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं असेंबल करना। ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा इसका फिटिंग करके दिखाएंगे, जैसे कि आपको आसानी हो। जैसे कोई मंगाते हैं ना अपने घर पे, तो कैसे फिटिंग करते हैं ना, आपको एक एक चीज दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इसके सपोर्टर को सेट कर रहे हैं। हमने इधर खांचा बनाया हुआ है, अब इसके अंदर हम ये सपोर्टर लगाकर साथ में नट बोल्ट आपको साथ में मिलेंगे। नट बोल्ट से हम सबसे पहले सपोर्टर को टाइट करेंगे। ओके, सपोर्टर को टाइट करने के बाद इसके बाद में अब हम ऊपर इसके रॉड लगाएंगे। आपको पूरी रॉड फिटिंग भी बताएंगे किस तरह से रॉड को फिट करते हैं जी जी। अब ये देखिए हमने ये वाला एंगल को पूरा सेट कर लिया है। अब इसको सेट करने के बाद हम ये वाला बोल्ट इसमें टाइट करेंगे इधर से। अब ये वाला बोल्ट टाइट करने के बाद हम ये पूरा रॉड इसमें सेट कर देंगे। पूरा एडजस्टेबल रॉड है। अब इसकी हाइट भी आपको छोटी बड़ी हम पूरा करके दिखाएंगे जी जी। ये इस तरह से यहाँ पर रॉड को फिटिंग कर रहे हैं। अब ये पूरा इसमें ऊपर रिंग इस तरह से ऊपर की साइड इसमें रिंग लाइट लगेगी। ओके, स्टिक का क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है। ये देखिए स्टिक की क्वालिटी देखिए, पूरी फोल्डेबल स्टिक है, छोटी बड़ी जैसे भी करो। और बाकी आप इसकी क्वालिटी भी देखिए, पूरी फाइन क्वालिटी में ये स्टिक बनी हुई है जी। अब आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, हमने किस तरह से इजीली इसको फिट करा है। अब यहाँ पर ये लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को हम ओपन करके इसकी हाइट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जी जी। ये देखिए मतलब जितना आपको हाइट रखना उतना आप हाइट रख, अभी आप हाइट और भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे लिए इतनी हाइट सफिशियंट है, इसलिए हमें नीड नहीं है, तो हम इसलिए इतनी ही हाइट रख रहे हैं। देखिए आप यहाँ तक की हाइट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जी मैम। अब साथ पे के छोटा सा नट और मिलता है आपको, इस वाले नट को इधर ऊपर की साइड इसको टाइट करना है जी। इसको टाइट करने के बाद
हम ये रिंग लाइट में ये वाला पेंच को पूरा, इस वाले नट को पूरा इधर की साइड में टाइट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया, ये देखिए। अब इस रिंग लाइट को हम ऊपर फिट करेंगे। अभी हमने रिंग लाइट को पूरा फिटिंग कर दिया, इसके बाद हम इसमें फोन का होल्डर लगाएंगे। ये हमारे फोन का होल्डर है, अब इसको रिंग लाइट के अंदर टाइट करते हैं। ओके। इसमें तीन होल्डर्स हमें साथ में दिए हैं, लेकिन अभी हम इसमें एक ही होल्डर आपको लगा के दिखा रहे हैं जी, और बाकी तीनों तो सेम ही लगेगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं किस तरह से इसको होल्डर को टाइट कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए फिर से। ये ऐसा आता है। अब इसको इस तरह से टाइट कर दिया है, अब इसको हम रिंग लाइट में फिट कर रहे हैं। ओके। इसमें जनरली तीन होल्डर्स लगेंगे, बट वीडियो में अभी हम आपको एक ही होल्डर लगा के दिखा रहे हैं। ये देखो, ये पूरा टाइट हो चुका है, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से तीनों टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए तीन तीन लगा सकते हैं यहाँ पे, एक दो तीन खांचा बना हुआ। आप इसको कैसे भी राइट लेफ्ट कैसे भी आप इसको मूव कर सकते हैं। अब आपको कंट्रोलर सेट करना बताते हैं कि सेल्फी बूथ में कंट्रोलर को किस तरह से हम सेट करेंगे, वायर हम किस तरह से इसमें जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट अब आपको दिखाते हैं कंट्रोलर। ये देखिए गाइस, ये कंट्रोलर साथ में आता है। ओके। ये हमारा स्पीड कंट्रोलर है। ये लाइट के लिए स्विच दिया हुआ है, ये रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ का दिया हुआ है। ओके। ये साथ में आपको पावर की कोर्ड मिलती है जो कि अभी हम कंट्रोलर में लगाएंगे, और इसके साथ में एक केबल आपको और मिलेगी जो कि आपको एक राइट साइड जो है इसकी कंट्रोलर में लगानी है, और लेफ्ट साइड जो है वो हमें सेल्फी में लगानी है। अब आपको इसको पूरा लगा के दिखाएंगे। जी मैम। एक कोड हमने जो राइट साइड, हमने एक राइट साइड इधर की साइड लगा दिया, और लेफ्ट हमने सेल्फी में इधर सॉकेट बनाया हुआ है, इधर लगा दिया। ये देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद में जो पावर की कोड है इसको हमने इधर इसको स्विच कर दिया है। स्विच करने के बाद अब हमारा सेल्फी रेडी है, मतलब ये कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको। ओके। अब इसमें ये लाइट का जो स्विच है, साथ में लाइट का हमें स्विच दिया हुआ है, इधर से हम इसको लाइट को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं मल्टी कलर्ड लाइट हमने इसमें लगाई हुई है, मतलब पूरी इसमें सारा कलर है, देख। हाँ जी, पूरी नियॉन हमने इसमें लाइट लगाई हुई है, जो शीशा हमने इसमें लगाया है पूरा 10 mm के शीशे की थिकनेस है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं सेल्फी बूथ की, हमने नीचे भी इधर की साइड भी पूरी नियॉन लाइट लगवाई हुई है। आप इस क्वालिटी, इस सेल्फी बूथ की क्वालिटी देखिए। अब बाकी इसको चला के दिखाते हैं। जो ये हमारा बटन है AC DC का, रिवर्स और फॉरवर्ड का, एक इसको प्रेस करेंगे एक साइड से रिवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड से फॉरवर्ड हो जाएगा। साइड में स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ में एक छोटा सा रिमोट और मिलता है जिससे कि हम सेल्फी को ऑपरेट कर सकते हैं। ये छोटा सा जो रिमोट है इसमें एक बटन दिया हुआ है, इससे सेल्फी को पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हमें एक रिवर्स साइड पे चलाना है तो रिवर्स पे हम उधर से सेट करके इधर से रिमोट का बटन प्रेस करेंगे, यही इसी बटन से ऑन होगा और इसी से ऑफ होगा। अब आपको सेल्फी बूथ चला के दिखाते हैं। अब सबसे पहले रिंग लाइट में अगर आपको लाइट चाहिए तो हम अलग से पावर बैंक लेंगे, पावर बैंक को हम इससे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, पावर बैंक को कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं लाइट का कलर चेंज करने के लिए। हम लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए मतलब तीन कलर हो जाएगा इसमें। हाँ जी, इधर से लाइट का पावर बैंक को हम इस तरह से इधर अटैच कर देंगे ताकि पावर बैंक हमारा गिरे ना और लाइट हमारी इसी तरह से स्टेबल रहे। इधर हम फोन को अपने लगाएंगे। अब फाइनली आप लोगों को सेल्फी बूथ का डेमो देने जा रहे हैं, प्रॉपर आपको सेल्फी बूथ चला के दिखाते हैं। अब फाइनली आप लोगों ने देखा सेल्फी बूथ कितना स्मूथ चल रहा है हमारा, इसका जो रॉड है कितना स्मूथली घूम रहा है, कोई हमारे सेल्फी में किसी तरह का कोई आवाज नहीं है। क्वालिटी आप लोगों ने वीडियो में देख ली है कितनी फाइन क्वालिटी हमारे सेल्फी बूथ की है। अब एक बार और फिर से आपको छोटे वाले रिमोट से सेल्फी बूथ को चेक करके दिखाते हैं। अब इसको करते हैं स्टार्ट। जी, स्पीड भी कंट्रोल होता है, स्पीड भी कंट्रोल होता है, साथ में रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चलता है। अब इसको रिवर्स चला के दिखाते हैं। रिवर्स कर दे इसे। Thank you.
मतलब दोनों साइड से चलता है? बिल्कुल दोनों साइड से चलता है, स्पीड कंट्रोल होती है, मल्टी कलर्ड लाइट इसमें लगी हुई है, रिंग लाइट के साथ में है। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जो हमने इसमें नीचे शीशा लगवाया हुआ है, 10 mm के थिकनेस का हमने इसमें शीशा लगवाया हुआ है जी। जैसे कंट्रोलर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इस रिमोट से भी आप यूज कर सकते हैं और वहाँ पे भी दिया हुआ है। हाँ जी, आप दोनों रिमोट में से कोई भी रिमोट यूज कर सकते हैं जी। 2.5 foot का इसका डायमीटर है और जो ये पूरा वेट जो उठा सकता है 250 से 300 किलो तक का वेट ये आराम से उठा सकता है। 250 से 300 किलो तक? हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे अभी तो एक लोग है, ठीक है? हाँ, कितने लोग आ सकते हैं इसमें? इस पे आराम से 3 लोग खड़े होके वीडियो बना सकते हैं। 3 लोग? हाँ जी। काफी ट्रेंड में ऐसे? बिल्कुल, ये जैसे छोटे मोटे फंक्शंस में भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। बर्थडे हो गए, छोटे मोटे इवेंट्स हो गए, पार्टियां हो गई, किटी पार्टीज हो गई, या लाइक शादियां हो गई, मतलब कुछ भी हो, छोटा मोटा इवेंट, हर जगह पे सेल्फी बूथ आज के टाइम में ट्रेंडिंग है। आजकल इंस्टाग्राम में तो काफी डिमांड है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप लोग देख सकते हैं इसको, हम स्पीड भी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अभी हमने इसको हाई स्पीड पे चला रखा है, अभी इसकी स्पीड हम कम भी कर सकते हैं, कम करके भी इसकी स्पीड को हम दिखा सकते हैं। और साथ साथ आप इसकी क्वालिटी देखिए, कितनी फाइन क्वालिटी है, आराम से ये अच्छा खासा वेट भी आराम से इस पे खड़ा हो सकता है। तो मैम सारा डेमो भी दिखा दिए, चला के भी दिखा दिए, बात कर ले प्राइस का, तो प्राइस क्या रखे? प्राइस इसका 28,000 रूपए और इसमें फ्लाइट केस आपको अलग से लेना होगा। फ्लाइट केस का कॉस्ट अलग है और सेल्फी का कॉस्ट है 28,000 रूपए। 28,000 रूपए? हाँ जी। सेल्फी के साथ में आपको कंट्रोलर मिल रहा है, रिमोट कंट्रोलर मिल रहा है, स्पीड कंट्रोलर मिल रहा है आपको, एक केबल मिल रही है आपको, रिवर्स फॉरवर्ड का हमारे इसमें फंक्शन है, आप 3 फोन इसमें एक साथ लगा सकते हैं। रिंग लाइट इसमें आप रिंग लाइट के साथ में ये आपको मिलेगा। तो बात कर ले प्राइस का, अगर मार्केट से कंपेयर करें तो कैसा प्राइस होगा अपना? अभी इसके सेल्फी बूथ के बारे में ना, मार्केट से हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबने अलग अलग अपनी क्वालिटियां मेंटेन की हुई है। मार्केट में आपको 15,000-16,000 रुपए का भी मिल जाएगा और इससे महंगा भी मिलेगा, 35,000-40,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन हमने प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रखा हुआ है ताकि हर एक कस्टमर हमारे यहाँ से इसको परचेज कर सके। और क्वालिटी भी हमने इतने प्राइस में एकदम फाइन क्वालिटी रखी है। मेन क्वालिटी मेडल आप देख सकते हैं इनका, ये देख रहे हैं, जो भी जैसे ये स्टैंड भी यूज किया हुआ, काफी अच्छा यूज किया हुआ, जो ग्लास भी यूज किया हुआ तो काफी अच्छा यूज किया हुआ। बाकी अगर आपको शादी में पार्टी वार्टी के लिए देखिए इवेंट का आइटम चाहिए ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे जो कि आपको कैटलॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मैम आप अपने शॉप का नाम एड्रेस फिर से बता दीजिए। शॉप का नाम है श्याम स्टेज इफेक्ट, एड्रेस है हमारा 519/1/10 संसार कंपाउंड, नियर बाय मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो आप आइए शॉप में विजिट कीजिए, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।